गाइस अभी हम निकल चुके हैं हमारे नए ट्रिप के लिए और ये टाइम इट्स नो होटल नथिंग। हम एक अलग एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, अलग एडवेंचर जो है कैंपिंग, और वो लोनावला से आगे ही पावना लेक में है। बट इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल कैंपिंग, ये प्रॉपर इको फ्रेंडली मड हट्स है और हम उसमें रहने जा रहे हैं। हम बहुत सालों पहले यहाँ पे जा चुके थे बट व्लॉग नहीं निकाला था तभी, तो ये टाइम स्पेशली हम वापस जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इन्जॉय कीजिए जर्नी। ये ऑलमोस्ट मुंबई से पावना जाने का मतलब 140 किलोमीटर्स वन वे है, लोनावला के भी आगे है 50 किलोमीटर। और वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए ये खंडाला वाला रोड आ गया है। एज़ यूजुअल यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है शाम के टाइम पे और थोड़ा सुबह के टाइम पे भी 10-11 बजे, तो हो सकता है तो आप लोग जल्दी निकलिए। कैंपिंग के बाकी सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं वहाँ पे। ये देखिए लोनावला क्रॉस करने के बाद आपको ऐसा पूरा विलेज वाला रोड आएगा, मस्त वाला एकदम, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। हम लोग ऑलमोस्ट पास है उसके, लोनावला तक रोड अच्छा है, उसके बाद रोड थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, सो गाइस ठंडा गन्ने का रस पी रहा हूं मैं अकेले अकेले, हिमांशु को नहीं पीने के। और हम लोग अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट ही सिर्फ दूर है हमारे कैंपिंग साइट से। रोड काफी गंदा है बट ठीक है, इसने वन शॉट डाउन कर दिया। और अब हम ऑलमोस्ट आ गए, ये देखिए एक छोटा सा घाट चढ़ना पड़ता है और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो टिकोने फोर्ट है और वहीं पे हमारा कैंपिंग साइट भी है। सो ये घाट चढ़ने के बाद आ जाएगा ऑलमोस्ट रोड। नेविगेशन पे आप डाल सकते हैं, गूगल मैप्स बराबर आपको लेके जाएगा, या आप वो साइट के ओनर जो है मोहन करके, उनका भी नंबर मैं नीचे डाल दूंगी, आप उनको भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको लोकेशन भेज देंगे। और अभी तक इतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही है। ये देखिए ऊपर का ना सिर्फ 5 मिनट का पैच जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बट अगर आप अपना प्राइवेट कार लेके आ रहे हैं तो थम्स अप, अगर आप रिक्शा या कुछ ले रहे हैं तो वो स्टेशन से आपको उनको बताना पड़ेगा एडवांस में ही कि वो आपको अंदर तक छोड़े। और ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, ऊपर आने के बाद एक्चुअली काफ़ी मस्त व्यू है, थोड़ा स्ट्रगल जो हमें लगा था वो है बट ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग अपनी अपनी कार ही लेके आए हैं, हमने भी कार पार्क कर दी है और अभी हम एंटर हो रहे हैं। काफ़ी सूदिंग है, एकदम ऐसा नेचुरल वाइब्स है। और ये जगह का नाम है रस्टिक विला, तो फुल रस्टिक रस्टिक मतलब उन्होंने मस्त ऐसा सब सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह किया है, प्रॉपर आपका डे प्लान करके। तो गाइस यहाँ पे उनके मड हट्स है, सो अब हम हमारे रूम का टूर लेंगे। ये देखो वेलकम टू आवर रूम टूर, और ये रहा हमारा रूम। पूरा मड कॉटेज है, ऊपर भी है सिटिंग और यहाँ पे वॉशरूम है। फुल रस्टिक विलेज वाइब्स, ये देखिए मेरा केदार क्या कर रहा है क्या मालूम। बियर की बोतल से बना हुआ, आओ दिखाता हूं। मतलब ये इंसान पीता है अगर इसे इतना डिटेल मालूम है तो। ओके यहाँ पे एक और सेम रूम है और ये देखिए बाहर का व्यू पूरा। शाम को हम अच्छा टूर लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो क्लियर दिखा नहीं पाएंगे आपको। लंच आ चुके हैं, ये वेज और ये केदार का नॉन वेज, लेट्स फीस्ट। और अब शाम हो गया है, जब तक केदार रेस्ट कर रहा है हम बाकी का टूर ले लेते हैं जगह का। तो इन लोग ने ना बहुत ज़्यादा ही मस्त ऐसा प्लांट्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह
ऐसा पूरा सीन किया है, प्लस यहाँ पे गेम्स खेलने को भी है। सो आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ साइट पे है, ऑल मील्स इंक्लूसिव है। और इसका प्राइस है पर पर्सन 2,200 रुपीज़ विद ऑल मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, और प्लस बारबेक्यू भी है। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ना, वहाँ पे बारबेक्यू है। यहाँ पे मस्त उन लोगों ने स्विंग्स वगैरह अलग अलग जगह पे फोटोशूट करने के लिए भी बनाया हुआ है। प्लस इस जगह का हाईलाइट है दैट यू ऑल्सो गेट अ इन्फिनिटी पूल जो अभी अभी उन्होंने बनाया है। और ये पेड पार्टनरशिप नहीं है, हमें ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे कैंप्स टेंट्स का भी ऑप्शन है, व्यू दिखता है आपको, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ से क्या क्लासिक व्यू दिखने वाला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा पावना लेक का व्यू मिल रहा है हमें, ये देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखता है। ये देखिए, ये शाम के टाइम का है और यहाँ पे बारबेक्यू का तैयारी किया उन्होंने। तो अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से, अलग अलग ग्रुप्स के साइज़ के हिसाब से वो लोग चेयर्स फिर वो सब देते हैं आपको। ये जो टेंट है आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, आ गया फाइनली हमारा स्विमिंग पूल। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था तो हमने हिम्मत नहीं की जाने की। और सबसे बेस्ट पार्ट इस जगह का ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग काफ़ी फ्रेंडली है। नाश्ता करते हैं, चाय पियो गाइस। और बिस्किट खाओ, बिस्किट नहीं, भजी खाओ, चाय पियो, भजिया खाओ। नाश्ता करने के बाद अब शाम हो गई है और ये मेरा बेस्ट 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 टाइम ऑफ द डे है क्योंकि मुझे लाइट बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए उन्होंने कितना क्यूट डेकोरेट किया है। यहाँ पे हैमॉक्स वगैरह भी है, छोटे छोटे स्विंग्स भी है, तो आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बेस्ट पार्ट है कि वो लोग खुद आपके लिए पूरा बारबेक्यू बना के भी देते हैं, वेज का वेज, नॉन वेज का नॉन वेज, वो काफ़ी अच्छा रहता है। ये देखिए केदार ने मेरे को पूरे वीडियो में सिर्फ एक सेकेंड के लिए लिया है, बट ठीक है। ओके गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई हमें यहाँ पे। साइड में सॉन्ग्स भी बज रहे थे और काफ़ी अच्छा था। प्लस ऊपर से ये हाइट पे होने के वजह से ना शाम को आपको स्काई एकदम ही ज़्यादा क्लियर दिखता है, आप स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ऐसा मस्त पैक वगैरह करके हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं। ये देखिए सब वेजिटेबल्स वगैरह है और ये चिकन है और वो मेरा पनीर है जो ऑलरेडी हो चुका है, अब वो हमारे लिए चिकन बारबेक्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। वंस अगेन मैं बोल रही हूँ, मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है नंबर और लिंक के साथ। ऑल्सो गाइज प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना, 2 मिनट से भी कम लगता है बट इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। और बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी ये टाइम पे, तो प्लीज़ अपने स्वेटर्स कैरी कीजिए। ये देखिए, और बेस्ट पार्ट इज ये सब होने के बाद भी वो लोग आपके लिए सेपरेट बॉनफायर अरेंज करते हैं जो आप खाने के टाइम पे मतलब इंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे ही चिल कर सकते हैं। प्लस हम यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे थे उनसे, इसलिए ये देखिए अब मेरा हो गया, केदार का भी चिकन बन चुका है और अब हम इंजॉय करने वाले हैं। ये देखिए ये रहा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, अ सेपरेट बॉनफायर फॉर एवरी ग्रुप। सो अब हमने अच्छे से खा लिया, फ़ोटोज़ भी बहुत सारे निकाल लिए थे। अभी ऑलमोस्ट बच रहे हैं रात के 10 और अब हम थोड़ा बॉनफायर इन्जॉय करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। और यूजुअली यहाँ पे बुफे सिस्टम ही रहता है, दोपहर को मैंने दिखाया नहीं आपको बट अभी शाम को दिखा दूँगी। फिर हेरा फेरी वाले सीन मत करो, आग अच्छी लगती है। नहीं कौन सा, वो हेरा फेरी है ना? नहीं, सच
समझा। तो ये रहा मेरा व्यू, किधर हमें डांस करके भी दिखा रहा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। अब चलते हैं बुफे की तरफ। बुफे रात को 11 बजे तक चालू रहता है तो अब खा सकते हैं। उसमें ये देखिए सैलड है, पनीर का सब्जी है, भिंडी मसाला फ्राई है, भाकरी है, चपाती है, राइस है, दाल है, शीरा है, एग करी है और चिकन मसाला है। और गाइस खाना बहुत ही ज़्यादा मस्त है, आई वुड टोटली रिकमेंड दिस। बस ये कैंपिंग साइट है तो थोड़े और नेचुरल जगह पे है तो फिर थोड़े मॉस्किटोज़ वगैरह रहेंगे, और ये हम नॉर्मली मस्ती कर रहे थे। अब हम व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।